हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन। हैप्पी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसके बीच प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन बी प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ऑप्शन सी पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस ऑफ टू वस्कुलर बंडल्स एंड ऑप्शन डी टू वस्कुलर बंडल्स। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर द की कॉन्सेप्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? इंक्रीज इन गर्थ साइज of plants, इसको ही सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान टू मेन टिश्यू लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। पहला है वास्कुलर कैम्बियम, एंड दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। नाउ हम अगर एक एग्जाम्पल ले एक डाइकॉट स्टेम का, तो वहां पे हम सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन देख सकते हैं। हियर इज द डायग्राम ऑफ ए डाइकॉट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। यहाँ पे जो आउटर लेयर है, इस लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस के अंदर के लेयर को कॉर्टेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दैट अपर पोर्शन दिस पार्ट इट इज नोन एज द प्राइमरी फ्लुएम। एंड जो रेड कलर का इनर पार्ट है, इसे कहा जाता है प्राइमरी जाइलम। नाउ प्राइमरी फ्लोएम दैट इज ये ब्लू पोर्शन एंड प्राइमरी जाइलम के बीच हमें एक टिश्यू लेयर देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है वास्कुलर कैम्बियम। नाउ एंड अंदर वाला जो सेंट्रल पोर्शन होता है, इसे पिथ कहा जाता है। नाउ प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम दिस टुगेदर फॉर्म्स द वास्कुलर बंडल्स। सो वास्कुलर बंडल में क्या शामिल होता है? इट इंक्लूड्स प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। एंड इसी प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम के बीच हमें वास्कुलर कैम्बियम देखने को मिलता है। वास्कुलर कैम्बियम ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप, अगर प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम के बीच ये प्रेजेंट है, तो इसको कहा जाता है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। दिस इज प्रेजेंट विद इन वास्कुलर बंडल। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इन वास्कुलर बंडल्स के बीच से ऐसे कई रेस हमें पार होते हुए दिख रहा है। ये जो रेज होते हैं, इसे कहा जाता है मेडुलरी रेज। एंड ये पैरेन्काइमा टिश्यू से बने हुए होते हैं। इस रेज का काम क्या होता है? टू जॉइन द
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बिटवीन टू वास्कुलर बंडल्स, सो प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम के बीच जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, ये मेडुलरी रेस इन दो वास्कुलर बंडल्स के बीच एक जॉइनिंग फॉर्म करते हैं बिटवीन दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एंड धीरे धीरे सारे वास्कुलर बंडल्स में ये जॉइनिंग हमें देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे हमें एक रिंग लाइक फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। दिस इज द रिंग लाइक फॉर्मेशन। एंड यही पोर्शन बिटवीन टू वास्कुलर बंडल्स जो यहाँ पे रिंग बना है, दिस इज वन वास्कुलर बंडल एंड दिस इज द सेकेंड वास्कुलर बंडल, इनके बीच जो ये रिंग फॉर्म हुआ है, इस रिंग को ही कहा जाता है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। सो इंटर फेसिकुलर कैम्बियम हमें किसके बीच देखने को मिल रहा है, वन वास्कुलर बंडल एंड द सेकेंड वास्कुलर बंडल, बंडल मतलब टोटल टू वास्कुलर बंडल्स के बीच हमें इंटर फेसिकुलर कैम्बियम देखने को मिलते हैं, एंड यही फर्दर ग्रोथ करता है फॉर फर्दर सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्मेशन। सो क्वेश्चन में पूछा गया था इंटर फेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, बिटवीन टू वास्कुलर बंडल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।